हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी वाइज चैनल। आज समान अध्ययन के अंतर्गत विविध भाग दो के अंतर्गत टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं और ये सारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो फ्रेंड, ये विविध भाग दो का भाग दो है। भाग एक मेरे चैनल पे स्टडी वाइज पे पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हैं। और भी इस तरह के क्वेश्चन मैं वीडियो डालती रहती हूँ, तो आप आके उस पे देख सकते हैं, रिवीजन करते रहिए। परीक्षाएं कभी भी होंगी तो हमारी तैयारी होनी चाहिए अच्छी, ताकि जब भी हो परीक्षाएँ तो हम उसे अच्छे से कर सके, किसी भी तरह के कन्फ्यूजन ना रहे और हम सभी प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं, क्वेश्चनों को देखते हैं। शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग लाइक करते हैं तो मुझे और भी वीडियोस क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाने का मन करता है, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चनों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान के अध्यक्ष होते हैं। तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कौन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोबोट का संबंध भौतिक विज्ञान की किस शाखा से है? तो इसका है साइबरनेटिक्स से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन है डीजल की वाष्प तथा वायु। इन क्वेश्चनों को देखते रहिए, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो देखिए, पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चौथा क्वेश्चन है, सीसा प्रदूषण से प्रभावित अंग है, कौन सी प्रभावित होती है अंग सीसा प्रदूषण से? तो मस्तिष्क तथा केंद्रीय नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये है शिमला में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इन सबों को याद रखिएगा। वीडियो देख लीजिएगा दो तीन बार, हफ्ते में 10 दिन में तो याद हो जाएंगे। अब पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के टाइगर की उपमा किस जंतु को दी जाती है? तो डॉल्फिन। डॉल्फिन एक मछली नहीं है, यह एक स्तनधारी है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न मीथेन के उत्सर्जन का 15% कहाँ से आता है? तो ये आर्द्र भूमि से आता है। तो फ्रेंड, ये प्राकृतिक स्रोतों से उत्पन्न मीथेन का उत्सर्जन 75% कहाँ से आता है? तो आर्द्र भूमि, ये 75% है शायद, मैंने 15% बोल दिया होगा, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जिसे समुद्री गाय कहते हैं कहाँ पाई जाती है? तो ये मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती है। ड्यूगोंग नामक समुद्री जीव जो कि समुद्री गाय है, उसे समुद्री गाय कहते हैं। मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय पार्क है, वो वहाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है, मानव प्रजाति निर्धारण के शारीरिक लक्षण कौन कौन से हैं? चमड़ी का रंग, बालों की बनावट, आँखों का रंग तथा उनकी बनावट और शारीरिक कद, ओठ का आकार, कपाल सूचकांक, नासा सूचकांक और रुधिर वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंटबरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो ये न्यूजीलैंड में है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, घास के मैदान के टाइप से क्वेश्चन कई बार आया हुआ है।
ये जरूर याद रखिएगा, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। वैसे तो इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए देखते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के मार्ग को क्या कहते हैं? झंझा पथ कहते हैं। नेक्स्ट है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई भाग के मरुस्थल होने का क्या कारण है? ठंडी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? तो ये अरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्माकच्छ वनस्पति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये ओडिशा में स्थित है। वीडियो को ध्यान से देखिए और सुनिए, सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। एक दो चार बार आप देखेंगे तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, कार्बोनिफेरस युग के अवसादी चट्टानों से कोयला निकलता है, जबकि टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से तेल निकलता है। तो कार्बोनिफेरस योग नहीं है, ये युग है, ये टाइप हो गया गलत, यहाँ युग होगा। युग की अवसादी चट्टानों से कोयला निकलता है, ऐसे अगर कभी आ जाए ऐसे क्वेश्चन, कार्बोनिक युग के अवसादी चट्टानों से क्या मिलता है? तो कोयला, और टर्शियरी युग की अवसादी चट्टानों से तेल निकलता है। नेक्स्ट है, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले जोत को सीमांत जोत कहते हैं, जबकि 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि जोत को बड़ी जोत कहते हैं। तो ये होगा, 1 हेक्टेयर से कम रहेगा तो उसे सीमांत जोत, और 10 हेक्टेयर से अधिक तो बड़ी या बड़ा जोत कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये है केरल। नाम से ही ऐसा लग रहा है कि केरल में होगा, मंगलम सिंचाई परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और भी ऐसे क्वेश्चन हैं जो अगर आप चाहते हैं कि ट्रिक्स से संबंधित, तो मेरे चैनल पे वो भी पड़ा हुआ है, आप आके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम कब बना? ये बना था 1984 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों के पुनर्विलोकन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 137 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, कुछ प्रधानमंत्रियों का क्रम इस प्रकार है, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो ये कुछ प्रधानमंत्री इसी क्रम में प्रधानमंत्री बने थे, कभी क्रम इसमें से दे तो आपको पता होना चाहिए, या फिर वीपी सिंह दे के फिर उसके बाद नरसिंह देव दे देंगे, अटल बिहारी दे देंगे, फिर इंद्र कुमार, तो इतने याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किसी अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, यह किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 20 के भाग 3 में, 20(3) में। तो ये है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान के भाग 9 का संबंध पंचायती राज से है, जबकि 9(क) का संबंध शहरी स्थानीय निकायों से तथा 9(ख) का संबंध सहकारी समितियों से है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने यहाँ बताई है, याद रखिएगा कि 9(9) का 3 चीज़ें हैं इसमें, 9(9) में ना संबंध पंचायती राज से है, ख में है शहरी स्थानीय निकायों, ख में सहकारी समितियों से। और तीसरा देखिए, अरे तीसरा करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, देश का पहला ई कोर्ट 2009 में कहाँ शुरू किया गया? ये अहमदाबाद में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों का पंजीकरण किस अधिनियम
के तहत किया जाता है, तो यह है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 1961 में स्थापित राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला योजना समिति का कार्य है, तो जिला योजना समिति की क्या कार्य है? पंचायतों और नगर पालिकाओं की योजनाओं को समेकित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है अवशिष्ट विधायी शक्तियों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 248 में, 248 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के कुछ राज्यपालों का क्रम, तो एचपी मोदी, बजवाड़ा गोपाल रेड्डी, मधु चेन्ना रेड्डी, सत्यनारायण रेड्डी, तो इसमें से ऐसे क्रम अगर पूछ ले तो आप से बता सकते हैं। वीडियो को जो देखते रहिएगा, वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू महासभा की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता में किन दो लोगों ने प्रमुख भूमिका निभाई? पहले से तेज बहादुर सप्रू, दूसरे जयकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे लाला लाजपत राय। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा की थी, जबकि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था। तो ये याद रखिए कि कभी पूछ लेता है तो लोग गलत लगा के चले आते हैं। लागू तो 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, लेकिन इसकी विभाजन की घोषणा 20 जुलाई को की गई थी। तो ये दोनों ही याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? पंडिता रमाबाई ने की। नेक्स्ट, जॉन लॉरेंस द्वारा अपनाई गई महान निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? अफगान युद्ध से संबंधित है ये। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है शिवाजी की स्थायी सेना का क्या नाम था? तो ये पागा था इनके स्थायी सेना का नाम। अगला है यवन राज्य के स्थापक की उपाधि किसने धारण की थी? कृष्ण देव राय ने की थी। ये उपाधियों से आते हैं क्वेश्चन कि किस राजा ने या किस सल्तनत ने, किस बादशाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो कृष्ण देव राय ने यवन राज्य की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल शासक का नाम आलमगीर भी था? तो ये औरंगजेब था। बहुत ही उस समय का नामी था राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। कब से नोटों पर अशोक स्तंभ के सिंह के स्थान पर महात्मा गांधी के चित्र आए? 1996 में, 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों के टीकाकरण संबंधित मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ 25 दिसंबर 2014 में शुरू हुआ, मोदी जी की सरकार में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था तीव्र अधिक समावेशी और धारणी विकास है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी डिजिट के दो अंक कौन हैं? 0 तथा 1। न्यूयॉर्क में स्थित यांकी स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग से। यांकी स्टेडियम ये भी याद रखिएगा, ये न्यूयॉर्क में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चनों को देखते हैं
क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं, टाइम वेस्ट किए बिना हम लोग क्वेश्चनों को देखते हैं। युद्ध नृत्य किस राज्य का नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का। तो ये नृत्य से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आते भी हैं और इम्पोर्टेंट भी रहते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो युद्ध नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश। 2019-20 में भारत में आए FDI के घटते क्रम के देश हैं सिंगापुर, मॉरिशस, नीदरलैंड है, नीदरलैंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 563 अरब डॉलर के विदेशी ऋण में सर्वाधिक 39% हिस्सा विदेशी वाणिज्यिक उधारियों का और 23% NRI जमाओं का तथा तीसरा स्थान पर अल्पकालिक व्यापारिक ऋणों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 144 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? लॉस एंजिल्स में, एंजिल्स। तो ये मेरे टॉप 50 क्वेश्चन थे। तो ये आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। इतने मेहनत से मैंने ये क्वेश्चनों को बनाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा ही लगा होगा। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लाई थी और भी ऐसे ही क्वेश्चन मैं लाऊंगी। और लाइक करना मत भूलिएगा, अगर लाइक करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मैं मोटिवेट हूँगी तो और भी मुझे वीडियो बनाने का मन करेगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने का मन करेगा। तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।